कछुआ धीरे चल रहा है, तभी तो कंसिस्टेंसी है, चले ही जा रहा है। खरगोश एक डाइव मारा, पीछे देखा, सो गया। तुम्हारे अंदर अगर नशा नहीं है तो कंसिस्टेंसी कोई बाहर, नशा मतलब ये थोड़ा बाहर का दो बोतल पी लिए, कंसिस्टेंसी का मतलब कष्ट दो अपने आप को। तुम 10 दिन मान लो 12-12 घंटे पढ़ लिए, तो 12 घंटा पता समझ रहे हो, 10 दिन पढ़ लिए 15-15 घंटा, उसके बाद ये कहता है कि आप अगर किताब खोले गोली मारेंगे तुमको, 10-15 दिन में तुम लिमिट क्रॉस कर जाते हो, इसलिए कंसिस्टेंसी नहीं बनती। जितनी मन की शांति बढ़ेगी उतनी नींद कम होती जाएगी। जय हिंद फ्रेंड्स। नशा, तुम्हारे अंदर अगर नशा नहीं है तो कंसिस्टेंसी कोई बाहर, नशा मतलब ये थोड़े बाहर का दो बोतल पी लिए। डॉक्टर अंबेडकर को नशा है, कंसिस्टेंसी का मतलब कष्ट दो अपने आप को। नहीं, उसकी एक वजह होगी, ये बात तुम बहुत अच्छी कह रहे हो, 10-15 दिन में तुम लिमिट क्रॉस कर जाते हो। कुछ लोगों की आदत है ना, वो जैसे कल मैंने बताया, कल जो मैंने भोजन किया तो लिमिट क्रॉस कर गया मैं, बाटी चोखा खा लिए, फिर वो रायबरेली के पास वो जो मिठाई वाली दुकान है, पता नहीं क्या देता है वो, अरे कोई मिठाई है बड़ी फेमस सी यार वहां, वो सब चंद्रकला, चंद्रकला चमचम फिर वहां वो कर लिए, फिर यहां जिन साहब के यहां रुके हुए थे वो साहब जो है खाना वाना बनवाए थे, वो खाने में क्या बनवाए, सकौड़ा, पालक का नहीं जो अरुई के पत्ते का होता है, और इतना 10-12 रोटी और एक कटोरी में घी ले आए, हम पी गए सब शुद्ध देसी, वो सब इतना खा लिया, वो कुछ मेहनत हुई नहीं, और सुबह रिएक्शन हो गया। हमने कहा आप क्या करें, हमने कहा भागो कंपनी गार्डन, और कोई रास्ता ही नहीं था। तो जैसे कंपनी गार्डन पहुंचे, 5वें राउंड के बाद तो एकदम मस्त शरीर सब खत्म, हजम नहीं होता ना, तो लिमिट नहीं क्रॉस करना है। जैसे ये पेट है ऐसे ये भी पेट है, अब तुम 10 दिन मान लो 12-12 घंटे पढ़ लिए, तो 12 घंटा पता समझ रहे हो, प्रतिदिन 12 घंटा पढ़ने का मतलब यहां की लिमिट चेक करनी है कि कितना घंटे ये बर्दाश्त करता है। कुछ लोगों को दूध हजम नहीं होता, घी हजम नहीं होता, तो ऐसे कुछ तुमको यहां देखना है कि इसकी लिमिट कितनी है यार, और तुम लिमिट क्रॉस कर जाते होगे। 10 दिन पढ़ लिए 15-15 घंटा, उसके बाद ये कहता है कि अब अगर किताब खोले गोली मारेंगे तुमको, तो इसलिए कंसिस्टेंसी नहीं बनती। तो 15 घंटा तुम डेली पढ़ के 10 दिन पढ़े 150 घंटा, फिर 20 दिन तुम गायब, और जो लड़का 7 घंटा पढ़ रहा है वो पूरे महीने पढ़ा 210 घंटा, तो तुमसे एज ले गया कि नहीं ले गया, लगेगा ही। वो जो 7 घंटा पढ़ रहा है वो लिमिट में काम कर रहा है, 7 घंटा पढ़ रहा है, फिर डिस्कस कर रहा है, कोई डिस्कशन के लिए नहीं है, तो मोबाइल सामने रखा और पूरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उसी को समझा दिया, बैंकिंग उसी को पूरा समझा दिया, कान में लगाया, 4 राउंड मारा कंपनी गार्डन का, फिर से सुन लिया जो पढ़ाया था उसने, तो 4 राउंड जो घूमने का हुआ वो घूमना का हुआ, रिविजन ही तो हुआ। और तुम्हारे अपने शब्दों में तो जो 15 घंटे पढ़ने वाले लोग हैं ये बड़ा अन्याय करते हैं, क्योंकि 10 दिन के बाद मन कहता कि अगर आप पढ़े तो खत्म, पता नहीं कौन सी नस वस यहां टूट जाए, पता का उल्टा चलने लगे, तो 7 घंटे वाला कंसिस्टेंसी बनाए हुए डेली पढ़ रहा है, और 210 घंटा तुमसे ज्यादा ले गया, 60 घंटा और, तो वो जीत गया। कछुआ धीरे चल रहा है तभी तो कंसिस्टेंसी है, चले ही जा रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। खरगोश एक डाइव मारा, पीछे देखा, सो गया।
कहानियां इसीलिए पढ़ाई गई थी कि हम उनसे कुछ सीख सके। हमने उससे मजा लिया, छोड़ दिया। हाँ, मन है ना, मन का सबसे बड़ा फीचर आदत है। मन की सबसे बड़ी फीचर आदत है, तभी तो तुम्हारा जो दोस्त होते हैं वो तुमको देखो जब पहली बार सिगरेट पिलाते हैं तो कितना रस जगाते हैं तुम्हारे अंदर, मैत्री का रस, कि कैसे दोस्त हो यार, हमारे कहने पे कस नहीं मार सकते हो। फिर वीर रस, कि जवानी कैसे तुम्हारे अंदर रस पैदा कराते हैं। फिर तुमसे कहा कि तुम जवानपुर के ठाकुर हो, बताओ, लानत है तुम्हारे ऊपर यार। और फिर क्या किए, चार पांच दिन पिलाए और पांच दिन बाद उसकी निकोटीन तुमको फील होने लगी कि ब्लड सर्कुलेशन रुक रहा है, मजा आ रहा है। छठे दिन तुम खुद ही का एक पैकेट खरीद लाए। समाज तुमको आदत ही डलवाता है कुछ चीजों की। शराब किसी ने खुद से कभी शुरुआत नहीं की, समाज लिटिल हम मॉडर्न, तुम यार आधुनिक आदमी हो गए। और लड़कियों को सबसे ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं, इनसे कह रहे फेमिनिज्म। कुछ बोल दो तो लोग नाराज हो जाएंगे, मानसो मास्टर सामंती मानसिकता का है। तो कुछ बोल भी नहीं सकते, सिर्फ इशारे में बात। तो तुम देखो जितनी भी चीजों की तुम्हारे पास आज जो तुम कर रहे होगे आदत ही है। आदत है तो यही तो मैं कहता हूं कि अगर सिगरेट पीने की आदत पड़ सकती है तो पढ़ने की क्यों नहीं पड़ सकती। आदत ही तो डालनी है, आदत और संगत। बैठो, संगत पर विशेष ध्यान रखो। क्या मतलब? कौन बता रहा था? अच्छा, 10 से 1 तो तुम ज्यादा, हाँ, और तुम ज्यादा सोना चाहते हो। जितनी मन की शांति बढ़ेगी उतनी नींद कम होती जाएगी। नींद का मन से बहुत गहरा संबंध है, इसलिए जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो नींद नहीं आती। अगर मृत्यु में भी किसी को नींद आ जाए तो या तो वो पागल है। अरे 16 में अमिताभ बच्चन ने 2 घंटे में सिखा दिया। वो कहती नहीं हेमा मालिनी, धर्मेंद्र कहता नहीं हेमा मालिनी से, वो पूछती है कि तुम मुझे कितने दिन में सिखा दोगे, कहता मैं तुम्हें 2 दिन में सिखा दिया, तो पीछे लेटा रहता, कहता बहुतों को तो इन्होंने 2 घंटे में सिखा दिया है। तुम सीखो तो। सबसे कम दिन में आराध होने वाले सन्यासी का नाम पता है? 88 दिन। 23वें तीर्थंकर कौन है? जैनों के पार्श्वनाथ। सबसे कम दिन में वही अर्हत हुए, 88 दिन। जितनी तुम्हारी त्वरा उतनी जल्दी तुम सीख जाओगे। कुछ लोग साइकिल सीखने में 4 साल लगाते हैं, कुछ लोग 4 दिन में सीख गए। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे करते हो, तुम अपने मन को कैसे समझते हो, एनालिसिस कैसे करते हो, देखते कैसे हो, ये सब तुम्हारे ऊपर है। और हर आदमी का सॉफ्टवेयर अलग है। क्या कोई हिंदी मीडियम उडियम कुछ नहीं, बैठो चुपचाप, ऐसे ही चलेगी। हो सकता कोई टीचर उर्दू में आके पढ़ाए।
ये सब हिंदी मीडियम के छात्र कहे हो? कौन बोला तुमको हिंदी मीडियम छात्र होने के लिए? तुम जो यहां जितना है, मैं बोला दो घंटा तुमको समझ में आया? तब यहां ही सब तुमको नहीं समझ में आ रहा, तुम जाओ, कुछ पूछो मत। तुमको यहां कुछ कहना नहीं हो, गुरुजी हमको तो हिंदू नहीं पढ़ रहा है, तुम यहां निकलो बस। कोई ड्रामेबाजी नहीं, ऐसे ही पढ़ाई होगी। हाँ, नोट्स तुमको हिंदी में अवेलेबल करा दिए जाएंगे, पर उसकी कोई जरूरत नहीं है। नोट्स क्लास में पढ़ाया जाएगा, तुम ही बनाओगे। तुम बनाओ यार इस तरह के नोट्स, तुम चार चार कोचिंग के नोट्स खरीद लेते हो, पढ़ते कोई नहीं हो, और तुम्हारे दिल को खुशी रहती है कि हाँ वो वाली कोचिंग का भी है। बड़े बड़े नोट्स रखे हो, और कोचिंग वाले साइकोलॉजी समझते हैं कि जैसे फीस जमा करे इतना बड़ा बंडल पकड़ा दो, ये लो धंधा। मतलब क्या साइकोलॉजी, तुमने पैसा जमा किया इतना बड़ा बंडल पकड़ा दिया सब, उसमें पता नहीं क्या लिखा है। हो सकता है तुम खोलो उसमें कॉमर्स का नोट्स लिखा हो बीच में, पर तुमने कभी खोला ही नहीं। दावा के साथ कह सकते हैं कि यहां जितने लोग बैठे हैं, अगर किसी कोचिंग का नोट्स रखे होंगे तो गारंटी कह रहा हूं शायद ही किसी ने उस नोट्स में से कभी कुछ पढ़ा हो, पढ़ा ही नहीं होगा। वह खुशी है कि मिला था भैया, हाँ गए थे भैया हिस्ट्री का इतना मैटर दिए, उसमें अंदर पढ़ो शायरी लिखी है गालिब की, फैजवेज की शायरी है उसमें, वो तुम बाद का पन्ना खोले ही नहीं, पहले ही खोले कि बाबरवा हिंदुस्तान आया, उसकी अम्मा बीमार थी। बढ़िया बना है भैया, अम्मा का नाम लिखा है इसमें। पता ही नहीं तुमको क्या निकालना है, क्या पढ़ना है, क्या बताया जा रहा है, मतलब ही नहीं।